थैंक यू पीके सर। ओके, वेलकम है आप सभी का। जैसा अभी आपने देखा, गौर संस्थान की तरफ से टीम ने बहुत अच्छी तरीके से टाउनशिप का प्रेजेंटेशन किया, और मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा और उसके बाद आप लोग साइट विजिट करें, और साइट विजिट करके जिन लोगों के साथ आए उनसे बैठ के डिस्कस करें कि आज का ऑफर क्या है और जो डिस्काउंट ऑफर है वो क्या है, और साथ में जो गिफ्ट का अनाउंसमेंट पीके सर ने कर दिया है। बट कुछ मैं 10 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि वाई इन्वेस्ट इन GYC गौर यमुना सिटी, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हमें यहाँ अपना पैसा, वाई। तो उन 10 पॉइंट्स पे बात मैं करना चाह रहा हूं, और वो 10 पॉइंट्स मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली चीज जो है, ये 250 एकड़ की इकलौती टाउनशिप है इस पूरे यमुना एक्सप्रेसवे के बेल्ट पे जो फुली इंटीग्रेटेड है। यानी कि इस टाउनशिप के अंदर जो चीजें यहां पर आपको मिलती हैं एक प्लॉट को इन्वेस्ट करके, वो चीजें अगर आप कहीं भी देखेंगे तो नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो ये 10 एकड़ की लेक है, जो आप यहाँ साइड में बैठे हैं तो रिजॉर्ट जैसी फीलिंग आती है कि नहीं आती है? यस या नो, कितने लोगों को लगता है कि वो रिजॉर्ट जैसी फील कर रहा है? या बहुत सारे हाथ उठे, राइट। तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिला हुआ है, एंड द सेकेंड वन इज 10 एकड़ का ही स्टेडियम है, वो भी आपको इस एक प्लॉट के साथ यहाँ पे फ्री फैसिलिटीज मिलती है। इसके अलावा जो भी चीजें यहाँ पे है, चाहे वो आपकी रिटेल शॉप्स हैं, शोरूम है, फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, यस, या कमर्शियल की अगर मैं बात कर लूं तो जो मल्टीप्लेक्सेस यहाँ बनेगा, या बैंक्स हैं, या होटल है, या गेस्ट हाउस है, बैंकेट हॉल है, पेट्रोल पंप है, और आपका हेल्थ क्लब है, एंड ऑल जो है कहते हैं स्कूल है, नर्सिंग होम, सब कुछ यहीं पर इस टाउनशिप के अंदर अवेलेबल है। तो ये आपको सिर्फ एक प्लॉट के खरीदने के साथ साथ मिल जाता है। आप समझिए एक प्लॉट की वैल्यू और यहां पर खरीदने की वैल्यू क्या हो सकती है। एंड द सेकेंड पॉइंट, 4 मिनट की ड्राइव पे आपका फिल्म सिटी है जो 1000 एकड़ में है। बोलने के लिए बड़ी आसान बात है, लेकिन हम में से कितने लोगों को पता होगा, ना पता हो तो गूगल में सर्च कर लीजिए फिल्म सिटी जो आज है मुंबई में, अगर उसके आसपास कुछ खरीदना हो तो क्या रेट होगा। अच्छा, वहां जाने की जरूरत नहीं है, जो अपना सेक्टर नोएडा में 15A में जो फिल्म सिटी है अपनी, आज के 15 साल पहले वहां भी रेट कहीं ऐसे कुछ 35-40 हजार के हुआ करते थे। आज का रेट अगर आप पता करेंगे तो मिनिमम करके 3.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए गज का रेट है। प्लॉट टू प्लॉट डिसाइड करेगा कि वो कॉर्नर का है या वो कौन सी गली में है। तो आप समझ लीजिए कि जो एज पर सर्वे बताते हैं, जो सारी गूगल्स में आप खोजेंगे तो मिल जाएगी कि नोएडा से भी 10 टाइम ज्यादा ग्रोथ की संभावनाएं अगले 10 साल में इस बेल्ट के अंदर अवेलेबल है। एक हमारे पास यहाँ एक मैप पड़ा हुआ है, और उस मैप में हमने दिखाया हुआ है कि सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 34 तक जो डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से यहाँ पे कमर्शियल आ रहा है और जो चीजें आ रही हैं, अगर उन सारी चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ का इन्वेस्टमेंट आपका कितना बड़ा हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बोलने के लिए एयरपोर्ट है लेकिन हम में से कितने लोगों ने IGI एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए होंगे? गए नहीं गए, और वो भी एक बहुत बढ़िया एयरपोर्ट जो है पूरे वर्ल्ड में, उसका भी नाम है, लेकिन वहां 3 टर्मिनल है और ये 6 टर्मिनल का बन रहा है, यानी उससे जस्ट डबल, और 8 टर्मिनल तक बनाने का, इसका एक्सपेंड करने का भी गवर्नमेंट का प्रपोजल है। तो आप समझिए, आप इंडिया के टॉप, जो नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया टॉप एयरपोर्ट के बगल में आपका प्लॉट है। और अगर आज एयरपोर्ट के बगल के प्लॉट जो अपना वहां पर आसपास क्या है, एयरपोर्ट के बगल में IGI एयरपोर्ट के बगल में कौन से गांव है, कौन सी जगह लगती है, वो मैपालपुर पालम, अगर वहां पे कहीं आसपास कोई एक प्लॉट का रेट पूछकर देखिए आप, वो भी आपको 3 लाख से 5 लाख रुपए गज या उससे ऊपर की रेट में मिलेगा ही मिलेगा। और जो हमने फिल्म सिटी की बात करी है, आप सोचिए ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड से जो लोग आएंगे सेलिब्रिटीज के रूप में, लोग करोड़ों रुपए रख के बैठे होते हैं 10-10 साल कि मुझे एक ब्रेक मिल जाए, तो ऐसी जो पॉपुलेशन है वो कहां रहेगी? आया ना, वो आसपास कहीं रेजिडेंशियल में नहीं रहेगी, वो इसी टाइप की टाउनशिप में जो आप अपना प्लॉट ले रहे होगे, अगर G+2.5 बनाने का यहाँ पे है तो वो 2.5 फ्लोर बना के आप उनको अगर रेंट आउट करेंगे तो आप समझिए कि क्या रेंट आने की संभावना है। ये मैं नहीं बता रहा, आप खुद कैलकुलेट करिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज,
आज की डेट में जो ये गौर यमुना सिटी है 2013 में लॉन्च की गई थी, जब आप आए हैं इन्होंने अपने सबसे जो कहते हैं ना कि सबसे प्राइम चीज सबसे बाद में वो कर रहे हैं, तो सबसे प्राइम जो मेन गेट के सामने की इन्वेंट्री है जो इन्होंने बताया 35 एकड़ में 900 कुछ प्लॉट है जिसमें 50% से ज्यादा सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगले 15-20 दिन या महीने भर में सोल्ड का, जैसे ही 70% से ऊपर सोल्ड होता है फुली सोल्ड का बोर्ड लग जाता है, फिर आपको रिसेल में ही इन्वेंट्रियां मिलेंगी और वहां पर कितने पचड़े होते हैं आप सभी को समझ है। तो ये अवसर हम ना जाने दें, ये भी एक बहुत बड़ा प्वाइंट है। एंड उसके अलावा लो डेंसिटी है इस पूरे टाउनशिप की, 250 एकड़ की 300 टाउनशिप गौर ने डिलीवर करी है। उसमें से आप लोगों कितने लोगों को पता है नोएडा एक्सटेंशन में जो गौर की टाउनशिप है 250 एकड़ की, हाउ मेनी लोग जिन्होंने देखा है उसको, या वहां पे कितने प्रोजेक्ट हैं लगभग उसके अंदर ऐसे ही हाई राइज जो यहां बने हुए हैं, करीब 27-28 हैं। और यहां पर जो टोटल उसकी डेंसिटी है वहां 2.75 का FAR है, यहां पे 0.5 का FAR है, तो एक बहुत लो डेंसिटी में भी आपको लग्जरी फील करने का मौका मिलेगा। एंड 80% का इन प्लॉटों पे बैंक लोन है, सिर्फ 20% ही तो अभी देना है, 2080 के प्लान में भी ले सकते हैं और ये 2080 का प्लान इस 31 तारीख से पहले बंद हो जाएगा। 2080 का मतलब है 7-8 लाख रुपए का अरेंजमेंट अभी करना है और बाकी के पैसे को आप बैंक लोन के जरिए भी दे सकते हैं और बैंक लोन भी यहां पर एज ए होम लोन ही ट्रीट हो रहा है, तो ये भी एक बहुत स्पेशल पॉइंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस पूरे 7 किलोमीटर के रेंज में 57,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड की तरफ से एंड अपने इंडियन जो घरेलू कंपनियां हैं उनकी तरफ से भी। 29 ऐसी कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड जो यहां इन्वेस्ट कर रही हैं, उसमें कुछ के नाम मैं लिख के लाया हूं, जिसमें कनाडा से 2 कंपनी है जिनका 1750 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, जर्मनी से 4 कंपनियां हैं जो 300 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है, जापान से 7 कंपनियां हैं जो 7,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इस जोन में, सिंगापुर से 2 कंपनियां हैं जो 1600 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उनका हो रहा है, यूके से 3 कंपनी है जो 1375 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, यूएसए से 5 है जो 309 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट कर रही है एंड कोरिया से 4 कंपनी है जो 950 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी हब है वो भी यहीं बनाना है। और जो 4-5 पॉइंट जो फिल्म सिटी के जेवर एयरपोर्ट के देखे, 100 एकड़ में टॉय सिटी बन रही है, टॉय सिटी में भी 80,000 से ज्यादा जॉब जनरेट होंगी आने वाले टाइम पे। अभी ज्यादातर जो खिलौने हैं भाई, इंडियन पॉपुलेशन में जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें कितने करोड़ पॉपुलेशन है जो खिलौने पसंद करती है, तो कहीं ना कहीं 30-40% वो पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा बाजार है जो अभी चाइना या अदर कंट्रीज पे डिपेंड करता है, उसके लिए 100 एकड़ गवर्नमेंट ने इधर डेडिकेटेड कर दिया है, तो कितना बड़ा जॉब वहां से जनरेट होगा वो सारे लोगों के को देख करके आपका क्या यहाँ पे विजन होता है वो आप सोचिए। 200 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क भी है सेक्टर 29 में, 5,000 करोड़ का वो भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग है। एंड इसके अलावा पतंजलि का फूड पार्क जस्ट अपोजिट इसके सेक्टर 24 में है जो 455 एकड़ का है, 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पतंजलि की तरफ से भी वहां हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम समझें कि मैं मेरा प्लॉट 100 गज का यानी 105.49 गज का प्लॉट अगर यहां पे हमें लेना है तो जो रेट यहां का लग रहा है एवरेज 40,000 या PLC वगैरह लगा के 42,000 का रेट आता है, मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर जो लोकल 1800 कॉलोनियां हैं उसमें अगर 10 से 15 फीट के ऊपर का भी कोई प्लॉट का रेट पूछ ले तो लगभग इसी रेट में आएगा, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? यस, तो आप समझिए कि हम सबके पास ये अवसर है कि हम इस 250 एकड़ में अपना 100 गज का प्लॉट बुक करा के इस पूरे 20 एकड़, 10 एकड़ का स्टेडियम, 10 एकड़ की लेक और वो सारी फैसिलिटीज, 4 मिनट की दूरी पे फिल्म सिटी, आपको सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलेगा फ्यूचर में, आपको आपके बच्चों को, और इसके अलावा जो अपना जेवर एयरपोर्ट है बिल्कुल 7 मिनट की दूरी पे, तो ये चीज आने वाले, मतलब मैं कहूंगा कि जैसे कहते हैं कुछ चीजें जो बनाई जाती है प्रॉपर्टी, अक्सर सर बोलते हैं सर बीच में आ गए, मैं चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग हमारे सर के लिए। और
राइट सर। तो सर कहते हैं कि लोग प्रॉपर्टियां बच्चों के लिए बनाते हैं, पीढ़ियों के लिए बनाते हैं, तो मुझे लगता है अगर हमने अपने बच्चों या उससे आगे के लिए कुछ सोचा है, तो अगर आपके दिमाग में चार विकल्प आते हैं तो उसमें से सबसे पहला विकल्प मुझे लगता है कि ये टच होगा। और आज का दिन 31 तारीख के बाद से रेट भी रिवाइज हो रहे हैं, और आज जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, एवरी बुकिंग पे जो आपको लैपटॉप मिल रहा है वो एकर्स एंड चर्च की तरफ से आपको गिफ्ट है, एडिशनल गिफ्ट है, उसे जाने ना दें। और आप लोग बाकी इंजॉय करें, विजिट करें।